दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आप जब मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था, वो इंतज़ार अब आप लोगों का समाप्त होते दिख रहा है। क्योंकि जो आप लोग तदर्थ शिक्षकों के लिए परेशान थे कि कितने पद हैं, तो जैसे कि आपको बताते हैं कि पहले तो तदर्थ शिक्षकों के पद जो है आ रहे थे लगभग 1100 से लेकर 1300 तक की, लेकिन अब जो सूत्रों के मुताबिक जो तदर्थ शिक्षकों के पद हैं वो हैं 2 से 3 हज़ार तक की। हालांकि आपको बता दें कि अभी एग्जैक्ट जो है तदर्थ सीटें कितनी हैं, कितनी जो है संख्या है, वो अभी पता नहीं चल पाई है। छात्र इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि तदर्थ शिक्षक वाले जो पद हैं वो कब तक जोड़े जाएंगे और कितने जोड़े जाएंगे, और अगर जोड़े जाएंगे तो उनके कितना समय लगेगा। ये सब बहुत सारे प्रश्न लेकर वो बहुत परेशान थे। तो आपको ये बता दें कि तदर्थ शिक्षकों के पद जो है ज़रूर जोड़े जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जोड़े जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि तदर्थ शिक्षकों के पद जो है जोड़े जाएंगे, लेकिन पहले और बाद में जितने तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है उनकी सीट्स जोड़ी जाएंगी। और उससे भी बड़ी खुशखबरी ये निकल कर आ रही है कि तदर्थ शिक्षकों का जो चयन होगा वो चयन उनकी सीट पर ही होगा, और यदि किसी कारणवश जो है उनके नहीं हो पा रहा है तो उस जगह पे तो उन खाली पदों को भरने के लिए जो है फिर से उसका चयन हो सकता है, जिससे कि छात्रों को मौका भी मिलेगा अच्छा, और उनका जो है सिलेक्शन भी प्रॉपरली अच्छे तरह से हो जाएगा। अब देखना यह है कि डाटा जो है इसका डाटा कब तक क्लियर होता है, और जल्दी हो जाएगा। आप लोग निराश परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों का फैसला जो है थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन हाँ जल्दी होगा। जैसे कि आपको पता होगा कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 अक्टूबर से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी करानी है आयोग को, तो आयोग जो है जल्दी इस पर काम भी कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीजीटी का रिजल्ट भी देखिए जल्दी आ गया है, और रही बात पीजीटी के बाकी विषयों पर सब जो है रिजल्ट आने का, वो भी जल्दी आ जाएगा। और रही बात टीजीटी के रिजल्ट की, तो आप लोगों को अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू सो मच।